नमस्कार, सुधा रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मलाई मोहन थाल। ये मैंने 2 कप बेसन लिया है, वजन में 250 ग्राम है, और ये थोड़ा इसमें दो तीन चम्मच दूध डालने के लिए, और ये घी लिया है। आज ये अब हम इन सबको मिला लेते हैं। ये हमने इस प्लेट में बेसन डाल दिया है, और अब हम इसमें ये 3 चम्मच दूध डाल देते हैं, चाहे कच्चा हो चाहे उबला हुआ हो, कोई सा भी हो सकता है। और 3 चम्मच हम इसमें ये देसी घी है, ये मैंने गरम करके पिघला लिया, ये डाल देते हैं। अब हम इसको अच्छे से इसमें मैश कर लेते हैं, अच्छे से अच्छी तरह से ये मैश हो जाएगा। देखिए, ये अब हमारा दूध, जो मैंने दूध डाला था और घी डाला था 3 चम्मच, तो ये अच्छे से सारे बेसन में मिल गया है। अब हम इसको 15-20 मिनट के लिए ढककर रख देंगे, जिससे कि ये अच्छा फूल जाए और हमारा बेसन भी दानेदार बन जाएगा। ये देखिए, हमारा बेसन अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसको 15-20 मिनट ढककर रख देते हैं, और फिर हम उसको बाद में खोलेंगे। ये देखिए, हमें 15-20 मिनट हो गई है, इसको हमने दबा कर रख दिया था, घी और दूध मिलाकर। अब हम इसको एक छन्नी लेंगे, ये हमारी जिसमें हम चावल छानते हैं ना, वो वाली छन्नी है, क्योंकि इसमें मोटा मोटा दाना निकलेगा। तो हम इसको इसमें पलट लेते हैं, और हम इसको अच्छे से मैश कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको अच्छे से मैश कर लेते हैं, अच्छी तरह से इसको हम दानेदार बना देते हैं अच्छे से, जिससे कि ये दानेदार हमारा इसमें को निकलेगा और हमारे दानेदार बर्फी बनेंगे। ये देखिए, मोहन थाल मलाई बर्फी। इसको हम दोनों हाथों से इस तरह से मसल लेते हैं, जिससे कि हमारा ये सारी जो गांठें हैं सारी एक जैसी हो जाए, दानेदार। और हम इसको फिर छान लेंगे। ये चावलों वाली छन्नी है, आटे वाली छन्नी से नहीं छानना, क्योंकि इसमें ज़्यादा बारीक बारीक आटा निकलेगा। हमें चाहिए दानेदार बर्फी बनाने के लिए। ये हम इसको इस तरह से इसको छान लेंगे, इस तरह से ये सारा निकल जाएगा, अच्छी तरह से हमारा दानेदार बेसन बन जाएगा। दबा दबा कर छान लेंगे, और जो इसका बाद का ये बच जाएगा, उसको भी हम इस तरह से छानते रहेंगे, सारा हम निकाल लेंगे। हमारा इस दबा दबा कर हमने सारा बेसन ये निकाल लिया है, थोड़ा सा बचा है, इसको भी निकाल लेते हैं। इस तरह से इसको करते जाइए, सारा निकल जाएगा, ये सारा निकल जाएगा। ये देखिए, हमारा सारा बेसन इसमें निकल गया है। अब ये देखिए, हमारा ये दानेदार कितना अच्छा बेसन बना है। इसकी हम बनाएंगे बर्फी, दाने वाली दानेदार बर्फी, मलाई वाली। चलो आइए बनाते हैं। गैस जला दी और फ्राई पैन रख दिया है। अब मैं इसमें 3 चम्मच तो घी मैंने इसमें बेसन में डाल दिया था, और ये बाकी बचा घी मैं इसमें डाल देती हूँ, और अब मैं इस बेसन को इसमें डालकर अच्छी तरह से भून लेती हूँ। गैस को हमें स्लो पर ही रखना है, तेज नहीं करना है। अब मैं इसको धीरे धीरे, इसको बेसन को अच्छी तरह से भुन जाएगा, फिर बाद में मैं इसको थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाएगा, फिर मैं इसमें मलाई डाल दूँगी, घर की बनी हुई मलाई इसमें डाल दूँगी। ये देखिए, हमारा कितना बढ़िया दानेदार बेसन हो है, बिल्कुल इतनी अच्छी मिठाई बनेगी, बहुत अच्छी। ये देखिए, हमने घी डालकर मैश कर लिया है। अब देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है, और अब इससे खुशबू भी आने लगी है। अब हम इसमें ये मलाई डाल देते हैं। ये हमारी घर की निकली हुई मलाई है, और फ्रीजर में रखी हुई मलाई है। हमें जब भी मलाई, किसी चीज़ में मलाई डालते हैं, तो फ्रीजर में रखी हुई
उसमें मलाई को हम 6 महीने तक यूज कर सकते हैं, और जो फ्रिज के अंदर रखते हैं उसे बस 2-3 दिन तक यूज करते हैं, फिर उसको नहीं डालना, क्योंकि हमारी फ्रीजर की मलाई एकदम फ्रेश निकलती है। अब हम इसको डालकर अच्छे से भून लेंगे, तब तक इसमें ब्राउन कलर ना आ जाए तब तक हम भूनते रहेंगे। ये देखिए हम इसको अच्छे से मैश कर लेंगे, खूब अच्छे से हमारी ये मलाई वाला मोहन थाल तैयार होएगा। ये देखिए अब हम इसको हर समय चलाते रहेंगे, क्योंकि ये ना लगने का डर रहता है, अगर ये लग गया तो अच्छा नहीं बनेगा। हमारे पास अगर मलाई नहीं है तो हम खोया भी ले सकते हैं, वो मलाई का काम करेगा। जैसे अब हमने मलाई डाल लिया, मलाई की जगह खोया डाल दो, इस तरह से हम कर सकते हैं, और घी हमारा हो जाएगा, खोया और घी से बन जाएगा। ये देखिए मेरा ये ब्राउन होने लगा है, मैं 10 मिनट और पकाऊंगी इसको। इसको पकाने में आधा घंटा तो लगता है, और ये पक जाएगा फिर मैं इसको उतार लूँगी। और ये जैसे इस पर ये आ जाता है ना, थोड़ा इसको इस तरह से हटा लीजिए, नहीं तो ये कच्चा रह जाएगा। हमने तब तक ये ब्राउन ना होए तो हम इसको इस तरह से धीमी आंच पर ही पकाया हमने, और फिर हम इसको उतार कर चाशनी बना लेंगे। अभी थोड़ी देर और पकाती हूँ। इसमें हमने 1 कप मलाई डाल दी और घी डाला, उसी से देखिए हमारा कितना अच्छा बन गया है। उसकी जगह मलाई की जगह बस आपका मन मलाई नहीं है तो वो डाल लो, खोया उतनी 1 कप ही खोया लेना है। इस तरह से बनाइए। ये देखिए मेरा ये ब्राउन हो गया है, बहुत अच्छा कलर आया है। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ और इसको हम इधर रख देते हैं। अब हम चाशनी बनाते हैं, हम चाशनी तैयार करते हैं, और इसको हम थोड़ी देर, ये गरम है तो हम इसको चलाते भी रहेंगे, क्योंकि हमने गरम उतारा है ना, तो इसको हम इस तरह से चलाते भी रहेंगे, नहीं तो इस गरम उसमें फ्राई पैन में ये हमने फ्राई पैन रख दिया। अब हमने इसमें जितना हमारा ये कटोरा ये था बेसन, तो उसका आधा हमने चीनी लिए हैं, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी कर सकते हैं चीनी को, और उसका आधा हम पानी इसमें डालेंगे, पानी डालेंगे, फिर हम एक तार की चाशनी बनाते हैं। अब हम इसको चाशनी बनाते हैं, फिर हम इसको इसके, ये देखिए हमारी चाशनी। अब हम इसको चेक कर लेते हैं चाशनी को, इसको ठंडा करके थोड़ा सा, और हम इस तरह से हाथ में लगाएंगे, और हम एक तार बनने लगे तो हम इस गैस को बंद कर देंगे। हमारी चाशनी बन चुकी है, लेकिन अभी तार नहीं आ रहा, तो आधा तार आ रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे। ये देखिए हमारा एक तार, ये देखिए किस तरह से बनता है एक तार, ये हमारा एक तार बन गया है। अब हम गैस बंद कर देते हैं और हम चाशनी को उतार लेते हैं। ये देखिए अब हम चाशनी को, इसको गैस पर नहीं, इसको बेसन को गैस पर नहीं रखेंगे, पहले नीचे ही इसमें चाशनी डाल देंगे, और फिर हम इसको अच्छी तरह से इसकी गांठे, ये जो है हमारे दानेदार, इसको अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। फिर मैंने ये समझा, अब हम इसे गैस से नीचे ही हम इसका दाना जो है ना, ये बेसन का जो रवेदार दाना बना है, इसको हम इस तरह से कर लेंगे जिससे कि अच्छा सा फूल जाए। और हमारा अब हम इसको, ये देखिए अच्छे से हो गया है, अब हम इसको गैस पे रखते हैं। इसको हमें धीमी आंच पे ही रखना है और चलाते जाना है। ये देखिए चाशनी हमने इसमें डाली है एक तार की, अगर हमारी चाशनी पतली भी रह जाती है तो कोई बात नहीं, वो इसमें पककर अपने उस पर आ जाएगी, जैसी रखते हैं हम इसी तरह की बन जाएगी। अगर हमारी चाशनी ज़्यादा पक गई है तो उसको ज़्यादा गैस पर मत पकाओ, बस यही होता है इसकी पहचान। अब हम इसको तब तक चलाएंगे जब तक ये जमने की फॉर्म में ना जाए, तब तक हमें चलाते रहना है। ये अपना इसको छोड़ देगा, अपने फ्राई पैन को छोड़ देता है, बिल्कुल अलग हो जाता है, तो हमें भी पता चल जाता है। ये देखिए अब हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको, ये हमने ट्रे ली है, इसमें हमने घी लगा दिया है, अब हम इसमें पलट लेते हैं।
ये देखिए पूरा फ्राई पैन छोड़ा हुआ है, तो समझो हमारी मिठाई ये तैयार है। अब हम इसको अच्छे से जमा लेते हैं। आपको मोटी जमानी है तो इसको इस तरह से कर दो, आपको पतला जमाना है तो इसको फैला दो, वो आपकी इच्छा है, जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा ही करना है। ये देखिए मैं इलायची डालना भूल गई, हरी इलायची, और मैं अभी डाल देती हूँ, भूल गई, जल्दी जल्दी मैं भूल गई, कोई नहीं, इसको मैं इस तरह से मिक्स कर देती हूँ, ये मिक्स हो जाएगी और फिर फैला दूँगी इसको। हमका तैयार हो गया है। अब हम थोड़े से बादाम की थोड़ा बादाम लगा देते हैं और थोड़ी पिस्ता गार्निश के लिए। ये हमने गार्निश के लिए बादाम और पिस्ता लगा दिया है। अच्छी तरह से इसको जमा, इसको इस तरह से दबा देते हैं जिससे कि ये इसमें फिक्स हो जाए, अच्छी तरह से लग जाए। हमका तैयार हो गया। अब हम इसके पीसेज कर लेते हैं। पीसेज आप मन चाहे पीस में कर सकते हैं, बड़ा भी छोटा भी, जिस जैसा आपका मन करे ऐसा कर सकते हैं। एक कट यहाँ पर, एक यहाँ, बड़े बड़े महंगे, एक यहाँ, हमारे थोड़ा सा हमने ये बादाम पिस्ता डाल, देखिए हमारी ये हमारी दानेदार बर्फी बनकर तैयार हो गई है। ये थोड़ी पिस्ता और ये बादाम जो है, ये थोड़ा हमने लगाने में देरी कर दी तो ये थोड़े से चिपके नहीं है। ये देखिए कितनी अच्छी बर्फी बनकर तैयार हुई है, दानेदार मोहन थाल बनकर तैयार हो गया है, और कितना अच्छा बना है, स्वादिष्ट। बस ये देखिए तोड़ कर दिखा देती हूँ, ये देखिए दानेदार, बस थोड़ा सा पिस्ता इसमें, थोड़ी सी मेरे से अच्छी तरह से नहीं हुई। अगर मेरी वीडियो आप अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों को शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।